फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट वेजी रसोई। आज हम वेज मेयो चीज़ सैंडविच बनाने जा रहे हैं। ये बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो इसके लिए हमें जो जो से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं ब्रेड स्लाइसेस, हमने सैंडविच स्लाइसेस लिए हैं 6, हाफ कप कॉर्न, हाफ कप कैप्सिकम, हाफ कप अनियन, सॉल्ट आधा छोटा चम्मच, 2 टेबल स्पून हमने मेयोनीज ली है, 1 कप हमने प्रोसेस चीज़ ली है, 1 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने ओरिगैनो लिया है और 1/2 टेबल स्पून हमने चिली फ्लेक्स लिया। आप चिली फ्लेक्स चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, आप डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं। तो आइए सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में कॉर्न, कैप्सिकम, अनियन, मेयोनीज, हमने जो चीज़ लिया उसमें से हम आधी चीज़ डाल देंगे इसमें। सॉल्ट, काली मिर्च, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, ये सब हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसे ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर लगाएंगे। हमने इस तरह से 2 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए और अब हम इनके कॉर्नर्स को कट करेंगे। तो इस तरह हमने दोनों ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लिया। अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने मिक्सचर ब्रेड के ऊपर लगा लिया। अब हम इसके ऊपर चीज डालेंगे। तो इस तरह से हमने चीज भी डाल दिया। अब हम इसको बंद कर देंगे। इसी तरह आप बाकी के स्लाइसेस पे भी ये मिक्सचर लगा के और ऊपर चीज लगाकर उन्हें तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से हमने सारे ब्रेड स्लाइसेस में मिक्सचर और चीज लगाकर उसको तैयार कर लिया। अब हम इसको पैन में सेकेंगे। अब हमने एक पैन ले लिया और उस पर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और सैंडविच को इस तरह से रख देंगे। हम थोड़ा सा ऑयल इस साइड पर भी लगाएंगे ताकि हमारा सैंडविच जो है वो अच्छी तरह से दोनों तरफ से सिक जाए। इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने दीजिए। तो हमारे सैंडविच जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरह हम बाकी सैंडविच बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जो सैंडविचेस बनाए थे उनको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।